अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड इट्स योर इंग्लिश बुक। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द बुक, कम टू द पेज नंबर 59। इट्स योर पेज नंबर 59। टॉपिक इज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हमें ये बताना है सेंटेंस की कितनी काइंड होती हैं और हम आज उन सेंटेंसेस काइंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। उसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हो और क्वेश्चन मार्क आ रहा हो। फिर उसके बाद क्या है? कमांड। कमांड कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हों। टॉक अबाउट द पिक्चर्स वेलो। अब फर्स्ट वन पिक्चर देखें, ये आपसे क्या कह रहा है? गेट आउट ऑफ हेयर। ये आपसे क्या कह रहा है? गेट आउट ऑफ हेयर। तो ये आपको जो है ये ऑर्डर दे रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कमांड सेंटेंसेस। सेकंड है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ यहाँ पर? क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंटेंसेस हो गया। थर्ड वन है, ओह द प्लान इज गोइंग टू क्रैश। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। इसके बाद डी है आपके पास, हेल्प मी। हेल्प मी ये भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। उसके बाद वाली ये हमसे क्या कह रहा है? टेक इट अवे, ऑर्डर दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया? कमांड सेंटेंसेस हो गया। इसी तरह से आई एम द हेड मास्टर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम द हेड मास्टर, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। माई नेम इज़ बाबर। माई नेम इज़ बाबर, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये सेंटेंस मुकम्मल कर रहे हैं। माई नेम इज़ बाबर, मेरा नाम बाबर है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये स्टेटमेंट सेंटेंसेस हो गया हमारे पास। इसके बाद है, कैन यू सी माई नोज, क्या तुम मेरी नोज देख सकते हो? तो ये क्वेश्चन, हमें इससे भी पता चल गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये क्वेश्चन सेंटेंस है। इसके बाद आई देखे, डोंट सिट हेयर, ये ऑर्डर है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये कमांड सेंटेंसेस हो गया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। लुक एट द पिक्चर्स एंड सेंटेंसेस ऑन द पेज नंबर 59। आपको पेज नंबर 59 पे जो हमने पिक्चर्स और सेंटेंसेस देखे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस ईच वन इज, तो आपको ये बताना है कि हर वो सेंटेंस जो पीछे था वो कौन सा है। अब यहाँ पर इन्होंने ए दिया हुआ है, तो हमने ए में जब पढ़ा था वहाँ पर, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जो फर्स्ट वन हमारा ए सेंटेंस था वो कौन सा था। अब हमारा जो यहाँ पे ए सेंटेंस था वो कौन सा था? वो कमांड था। तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे? कमांड। इसी तरह सेकेंड हमारा क्या है? क्वेश्चन पूछा था, तो सेकेंड कौन सा था? क्वेश्चन। थर्ड वन कौन सा था हमारा? एक्सक्लेमेशन था। इसी तरह से अब लिखते हैं पेज नंबर 60 पे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कमांड, तो हम यहाँ लिखेंगे कमांड, सी ओ डबल एम ए एन डी। सेकंड कौन सा था हमारा? क्वेश्चन, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। सी हमारे पास क्या था? सी हमारे पास था एक्सक्लेमेशन, ई एक्स सी एल ए एम ए टी आई ओ एन। और हमारे पास डी कौन सा था? डी भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन था, ई एक्स सी एल ए एम ए टी आई ओ एन। इसी तरह से हमारे पास ई कौन सा था स्टूडेंट्स? ई कमांड था, सी ओ डबल एम ए एन डी। उसके बाद एफ देखते हैं, एफ हमारे पास कौन सा था? एफ हमारे पास कौन सा था? एफ हमारे पास स्टेटमेंट था, और जी भी हमारे पास स्टेटमेंट था, एच हमारे पास क्वेश्चन था, और आई हमारे पास कमांड था। अब हम ये वहाँ पे पुट कर देंगे। आई हमारे पास क्या था? स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, एस टी ए टी ई एम ई एन टी, स्टेटमेंट। जी भी हमारे पास स्टेटमेंट था, एस टी ए टी ई एम ई एन टी, स्टेटमेंट था। एच हमारे पास क्या था? एच हमारे पास क्वेश्चन था, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। और आई हमारे पास क्या था? आई हमारे पास कमांड था, सी ओ डबल एम ए एन डी।
इसी तरह से आपको ये वर्क अपनी इंग्लिश वर्ड बुक में करना है. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.